Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Ruby College, University of Allahabad. And it is my email ID. Do subscribe my channel. The lecture will be in bilingual mode as is always. There will be, and this lecture will be very useful for various teaching examinations, because what we are going to discuss today, Thorndike's theory of learning. लर्निंग एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं और लर्निंग में कुछ विशेष थ्योरीज जैसे थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर की बिहेवियरिज्म में बहुत पूछी जाती है, बहुत 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 सवाल बनते हैं इस पर. तो आज हम लर्निंग थ्योरीज में बिहेवियरिज्म के तीनों जो मेन प्रोपिगेटर्स हैं, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर, को बारी बारी से कवर करेंगे. और उसके बाद बचता है हल और टॉलमैन. हल जो है वो डिडक्टिव बिहेवियरिज्म के जनक माने जाते हैं और टॉलमैन पर्पसिव बिहेवियरिज्म के. तो उनको भी बारी बारी पिकअप करेंगे, पर पहले ये प्योर बिहेवियरिस्ट जो हुए हैं. तो शुरू करते हैं थॉर्नडाइक से. अच्छा देखिए, खास बात, थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है या जो इन्होंने वाद प्रस्तुत किया है साइकोलॉजी में, वो कनेक्शनिज्म है. तो आप इसको बिल्कुल भी कनेक्टिविज्म से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा. कनेक्टिविज्म अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा था. क्या है कनेक्टिविज्म? डिजिटल एज की थ्योरी है, न्यू एज लर्निंग थ्योरी है, लेटेस्ट थ्योरी. और कनेक्शनिज्म आप कह सकते हैं कि बिहेवियरिज्म की सबसे पुरानी है. तो नाम कनेक्शन कनेक्टिव है, तो आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा. कनेक्शनिज्म क्या कह रहा है, मतलब हमको कनेक्शन बनाना है. कनेक्टिविज्म में भी वैसे कनेक्शन बन रहे हैं, पर दोनों के कनेक्शन में बहुत अंतर है. Connectionism is a learning theory that is based on the concept of bonds formed between stimulus and response. क्या कह रहे हैं कि connectionism क्या है? वैसी learning theory है, अधिगम का वो सिद्धांत है जो किस पर आधारित है? Concept of bonds, मतलब वो कहता है कि बंध बन जाते हैं. कैसे बंध बनते हैं? Between stimulus and response, यानी उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच में. हमको environment कोई stimulus देता है, उस पर individual या organism कुछ response करता है, उसके बीच में ही एक bond बन जाता है. कैसा bond? That is natural connections between stimulus and response, and they are later on strengthened. मतलब वो कह रहे हैं कि जो हमको उद्दीपन मिलता है, उद्दीपन कुछ भी हो सकता है. जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ अच्छा जवाब दिया, और हमको क्लासरूम के हिसाब से मान लें कि हमने कुछ अच्छा जवाब दिया और हमको शाबाशी मिली उसके लिए. तो सवाल पूछा जाना उद्दीपन था, उद्दीपक था, हमने उसके लिए प्रतिक्रिया में उत्तर दिया, वो हमारा रिस्पॉन्स था. तो इस तरीके के नेचुरल कनेक्शन बनते रहे. तो बहुत बहुत मोस्ट पॉपुलर कॉमन एग्जाम्पल था जो मैंने शो किया, आपके संग शेयर किया. तो इस तरीके का बॉन्ड बनना, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो कनेक्शन है, वही कनेक्शनिज्म थ्योरी उसी पर बेस्ड है, उसी कनेक्शन पे बेस्ड है. दी स्टिमुलस इफेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म दैट रिस्पॉन्ड्स टू. वो कह रहा है कि जो स्टिमुलस है, जो एस है, वो ऑर्गेनिज्म को एफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, और तब ऑर्गेनिज्म उसके लिए प्रतिक्रिया देता है. द थियरी ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू कंडीशनिंग दैट यूटिलाइजेस द कंसेप्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ कनेक्शन. ये देखिए, कंडीशनिंग नाम बहुत बार आएगा, और कंडीशनिंग को आप सिंपल साधारण शब्दों में अगर कुछ नहीं समझ सकते तो इतना समझ लीजिए कि कंडीशनिंग लर्निंग है. अब वो किस तरीके की लर्निंग वो बिहेवियरिज्म अपने हिसाब से बताता है, कह रहा है कि थ्योरी ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू कंडीशनिंग. ये एक तरीके की कंडीशनिंग से संबंधित है, जो क्या यूटिलाइज करती है, किसका उपभोग करती है, कंसेप्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ कनेक्शन. जितने कनेक्शन बन रहे हैं किसके बीच में, एस और आर के बीच में, उसी के एसोसिएशन के कंसेप्ट से सारा ताना बाना इसका बुना है, कनेक्शनिज्म का, कंडीशनिंग का. फिर इट एम्फसाइजेस दैट द बिहेवियर बिगिंस विद कंडीशन रिफ्लेक्सेस एंड नेचुरल रिस्पॉन्सेस एंड न्यू बिहेवियर्स रिजल्ट फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स थ्रू एक्सपीरियंस. वो कह रहा है कि व्यवहार, अब चूंकि व्यवहारवाद है तो सारा कुछ इम्फेसिस किस पर है, सिर्फ और सिर्फ व्यवहार पे. हम लोग ये भी जानते हैं, चूंकि हम बिहेवियरिज्म को पढ़ चुके हैं, इसलिए हम ये भी जानते हैं कि व्यवहारवादी सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे इम्फेसिस करते हैं, उनका इंटरनल मेंटल प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं. तो वो कह रहे हैं कंडीशन्ड रिफ्लेक्सेस एंड नेचुरल रिस्पॉन्सेस, यानी कि हमको कोई, हमने कोई रिफ्लेक्स एक्शन किया, कोई प्रतिवर्ती क्रिया की, और कोई हमने रेस्पॉन्स किया जो नेचुरल था, प्राकृतिक था, एंड न्यू बिहेवियर. और इसी से क्या होता है, एक नए बिहेवियर की उत्पत्ति होती है. कैसे? क्योंकि जो हम नए नए बॉन्ड बनते हैं ना एस और आर के बीच में, और हम अनुभव से सीख जाते हैं कि कौन से बॉन्ड को स्ट्रेंथन करना है. ये कह रहे हैं लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशंस फॉर्मिंग बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेस. मैंने आपको बिहेवियरिज्म जब पढ़ाना शुरू किया था तभी मैंने आपको बताया था कि लर्निंग की डेफिनेशन हम बिहेवियरिज्म अलग तरीके से देगा,
कॉग्निटिविज्म अलग तरीके से देगा, कंस्ट्रक्टिविज्म अलग तरह से देगा, और कनेक्टिविज्म अलग तरीके से देगा. क्यों? क्योंकि जो जो उन्होंने हाइपोथेसाइज किया है, जो एजम्पशन मान के वो चले हैं कि लर्निंग ऐसे होती है, तो कनेक्शनिज्म या बिहेवियरिज्म ये मानता है कि लर्निंग जो है, जो सीखा जा रहा है, जो छात्र सीख रहा है, वो कैसे सीख रहा है, क्योंकि एसोसिएशन बन जाते हैं. किसके बीच में? एस और आर के बीच में जो बंध बनता है, जो संबंध बनता है, उसी का परिणाम अधिगम है. सच एसोसिएशंस आर और हैबिट्स, वो कह रहे हैं इस तरीके की आदतें, मतलब इस तरीके के संबंध जो है आदतें बन जाती है. बिकम स्ट्रेंथेंड और वीकेंड बाय द नेचर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसआर. मतलब जो एस आर बॉन्ड बना है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार बन रहा है, क्या बार बार ये एस आर बॉन्ड बन रहा है, इस पर ये डिपेंड करता है कि जो हमारा एसोसिएशन है वो मजबूत होगा कालांतर में या कमजोर पड़ जाएगा. द हॉल मार्क ऑफ कनेक्शनिज्म लाइक ऑल बिहेवियरल थेरीज, वो कह रहे हैं ना कि सभी व्यवहारवादी अगर हम सिद्धांत को देखेंगे, उसी प्रकार से कनेक्शनिज्म का भी हॉलमार्क क्या है, लर्निंग कुड बी एडिक्वेटली एक्सप्लेन्ड विदाउट रिफरिंग टू एनी अनऑब्जर्वेबल इंटरनल स्टेट्स. वो कह रहे हैं कि हमको सिर्फ प्रेक्षणीय चीजों पर ध्यान देना है, जिनको हम प्रेक्षण नहीं कर सकते, इंटरनल स्टेट यानी कि कॉग्निशन है, मेमोरी है, परसेप्शन है, हम इसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, तो हमको उसको ध्यान में भी नहीं रखना है. ये कौन कहता है? ये बिहेवियरिज्म कहता है, और कनेक्शनिज्म भी यही कह रहा है कि हम अधिगम को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट रेफरिंग टू एनी अनऑब्जर्वेबल इंटरनल स्टेट. कोई आंतरिक मानसिक दशा पर ध्यान दिए बिना भी हम अधिगम को परिभाषित कर सकते हैं. ओके, एक्सपेरिमेंट. देखिए, जब आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे पूरी थ्योरी पूछी जाती है कि थॉर्नडाइक की थ्योरी बताइए, डिस्कस थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग, या डिस्कस थॉर्नडाइक्स एक्सपेरिमेंट, इस तरह से तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए. लेकिन जब आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है तो कुछ भी पूछ सकते हैं कि कनेक्शनिज्म किसकी थ्योरी है, थॉर्नडाइक ने क्या किसके बारे में बात की, तो एसआर के बारे में बात की, थॉर्नडाइक के हिसाब से लर्निंग क्या है, थॉर्नडाइक ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, थॉर्नडाइक ने किस जीव पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये सब हमको ध्यान देना जरूरी है. अच्छा, एक बात और यहाँ पर आपसे कहना चाहती हूँ कि जब हम एक थ्योरी पढ़ रहे हैं, जैसे आज हम थॉर्नडाइक पढ़ रहे हैं, तो हमको आसान लगेगा, इसमें क्या मुश्किल है. वो कह रहे हैं ना, एस और आर के बीच में बॉन्ड बन रहा है, एसोसिएशन है, और स्ट्रेंथन और वीकेन होगा, ये डिपेंड करेगा उसकी नेचर और फ्रीक्वेंसी पर. बट दिक्कत क्या है, जब हम थॉर्नडाइक पढ़ लेंगे, फिर हम पावलोव पढ़ लेंगे, फिर हम स्किनर पढ़ लेंगे, तो आपस में सारी थ्योरीज मिलने लगती हैं. तो हमको ये डिस्टिंक्शन रखना जरूरी है कि थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर तीनों ही बिहेवियरिस्ट है, पर कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये सब एक दूसरे से डिफर करते हैं. तो ये डिस्टिंक्शन आपको समझना जरूरी है, इसके लिए बार बार आपको सुनना पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको याद रह पाएगा, नहीं तो बाद में सारी थ्योरीज जाकर आपस में मिल जाती हैं. ठीक, तो क्लासिक एग्जाम्पल थॉर्नडाइक का क्या है, एसआर थ्योरी का, इन्होंने बिल्ली पर किया, कैट पे. वाज अ कैट लर्निंग टू एस्केप फ्रॉम ए पजल बॉक्स. देखिए, इन्होंने पजल बॉक्स बना रखा है, ये इनका बॉक्स है, ये कैट है, ये पुल स्ट्रिंग दैट ओपन ट्रैप डोर. ट्रैप डोर मतलब अगर इसको स्ट्रिंग को, रस्सी को, धागे को खींचेंगे तो ये डोर खुल जाएगा, इस तरीके का है. तो अगर डोर खुल जाएगा तो क्या होगा, ये भाग जाएगी, एस्केप कर जाएगी, इसको पलायन का रास्ता मिल जाएगा. तो द क्लासिक एग्जांपल ऑफ थॉर्नडाइक्स एसआर थ्योरी वाज अ कैट, एक बिल्ली थी जिस पर लर्निंग टू एस्केप फ्रॉम ए पजल बॉक्स, पजल बॉक्स में फंस गई और वो उसमें से निकल के भागना चाहती है बाई प्रेसिंग अ लीवर इन साइड द बॉक्स. तो बॉक्स के अंदर ही एक लीवर है, मतलब ऐसी चीज है जिसको दबाएंगे तो बॉक्स खुल जाएगा, उस पर उसको दबा के सीखना है. तो क्या करती है वो, आफ्टर मच ट्रायल एंड एरर मैकेनिज्म, मतलब बार बार कहीं इधर उधर उसका पैर पड़ता है, सही जगह नहीं पड़ता है, बहुत बार ट्रायल एंड एरर करती है. द कैट लर्न्स टू एसोसिएट प्रेसिंग द लीवर विद ओपनिंग द डोर. क्या सीख जाती है वो, कभी गलती से लीवर पे हाथ पैर उसका पड़ गया तो दरवाजा खुल गया, फिर बार बार जब ये एसोसिएशन बना तो वो सीख गई कि जब लीवर प्रेस होगा तो डोर ओपन हो जाएगा. द एसआर कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिकॉज इट रिजल्ट्स इन अ सेटिस्फाइंग सेट ऑफ अफेयर्स. वो कह रहा है कि कह रहे हैं कि जो एसआर कनेक्शन है, जो स्टिमुलस रेस्पॉन्स का कनेक्शन है, वो कैसे स्थापित होता है, क्यों स्थापित होता है, क्यों, क्योंकि इसके स्थापित होने के पीछे वजह ये है कि आपको सेटिस्फाइंग सेट ऑफ अफेयर मिल रहा है, उसका दरवाजा खुल जा रहा है, वो एस्केप करना चाह रही है, दरवाजा खुल जा रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाइंग सेट ऑफ अफेयर है, इसलिए इस एसआर बॉन्ड में एसोसिएशन हुआ. ओके, तो थॉर्नडाइक ने कुछ प्राइमरी लॉज दिए, तीन प्राइमरी लॉज दिए, कुछ सेकेंडरी लॉज दिए. अक्सर कहीं कहीं हमको मटेरियल मिलता है तो बस वो प्राइमरी लॉज की बात करके ही निकल जाते हैं. हम भी अपने एग्जामिनेशन में प्राइमरी लॉज ही सिर्फ लिख दें तब भी हमारा काम चल जाएगा, बट हमको सेकेंडरी लॉज भी एटलीस्ट पता होने चाहिए, नाम से ही. आप उसका डिस्क्रिप्शन नहीं भी जानेंगे तो भी चल जाएगा,
क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही है से कि प्राइमरी लॉज ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इम्फेसिस इसी पे है, थ्योरी भी आप इसी से समझ जाएंगे। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यही तीन है, तीसरा नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब तत्परता का नियम, और लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब अभ्यास का नियम। ये तीन नियम जो है वो प्राइमरी लॉज हैं जो थॉर्नडाइक जिनकी बात करते हैं। अब आपको यहीं पर हम बताएंगे कि ये जो लॉ ऑफ इफेक्ट था इनका, इसी को बेस मान के स्किनर ने अपना ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया, और उनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग देखिए बहुत फेमस हो गई, वहीं से वो निकाल के लाते हैं क्या हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट भी ले आते हैं, प्रोग्राम लर्निंग का। ठीक, तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कह रहा है, रिस्पॉन्सेज टू ए सिचुएशन दैट आर फॉलोड बाई अ रिवॉर्डिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स विल बी स्ट्रेंथेंड एंड बिकम हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज टू दैट सिचुएशन। वो कह रहा है कि रिस्पॉन्सेज टू ए सिचुएशन यानी हमारे पास कोई स्थिति आती है, कोई परिस्थिति आती है, उस पर जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, अगर प्रतिक्रिया करने के बाद हमको रिवॉर्डिंग स्टेट ऑफ अफेयर मिलता है, मतलब हमको इनाम मिलता है, हमारी प्रशंसा होती है, हमको कुछ अच्छा मिलता है उसका परिणाम, तो वो स्ट्रेंथन हो जाता है, मतलब वो मजबूत बन जाता है एंड बिकम हैबिचुअल रिस्पॉन्सेस टू दैट सिचुएशन, और वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है, यानी कि जब जब वो सिचुएशन हमारे पास आएगी तो हम वैसे वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। द ट्रायल ऑन स्टेप्स लीडिंग टू सेटिस्फेक्शन स्टैम्प्स इन द बॉन्ड और कनेक्शन, है ना, बॉन्ड बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है। सेटिस्फाइंग स्टेट्स लीड्स टू कंसोलिडेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ कनेक्शंस। अगर हमको लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब प्रभाव क्या निकल रहा है, परिणाम क्या निकल रहा है, अगर इफेक्ट अच्छा आ रहा है तो स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, इफेक्ट खराब आ रहा है तो स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी या वीकनिंग हो जाएगी, सिर्फ ये कहना चाहते हैं ये। वेयर इज डिससेटिस्फेक्शन एनॉयंस और पेन लीड टू दी वीकनिंग और स्टैम्पिंग आउट ऑफ द कनेक्शन, है ना। ये कह रहा है अगर हमको असंतुष्टि मिल रही है, क्रोध मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, तो हम सीख जाते हैं कि वो जो एस आर बॉन्ड है वो धीरे 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 वीकन होता जाएगा और हमारे स्मृति से निकल जाएगा। फिर लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम या तैयारी का नियम, वो कह रहे हैं कि जब छात्र रेडी होता है सीखने के लिए तभी वो सीखता है, तभी वो बेहतर सीखता है। अ सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेज कैन बी चेंज टुगेदर टू सेटिस्फाई सम गोल विच विल रिजल्ट इन अनॉयंस इफ ब्लॉक्ड। वो कह रहा है कि कई सारे रिस्पॉन्सेज हैं उनका हम एक श्रृंखला बना देते हैं, एक सीरीज बना देते हैं, चेन बना देते हैं, तो अगर वो सेटिस्फाई सम गोल, हमारे गोल को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन अगर हम उसको रोक दे रहे हैं तो अनॉयंस हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो चाइल्ड रेडी था तभी ये चेन बन रही है। रेडीनेस मीन्स प्रिपरेशन फॉर एक्शन, यानी कि चाइल्ड या लर्नर जो है इज रेडी फॉर एक्शन या रेडी फॉर लर्निंग। इफ ए पर्सन इज नॉट प्रिपेयर टू लर्न देन लर्निंग कैन नॉट बी इंस्टिल्ड इन हिम और हर। वो कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति तैयार नहीं है सीखने के लिए तो आप उसको नहीं सिखा सकते हैं। इसीलिए आज बात की जाती है कि हमको चाइल्ड इंटरेस्ट और चाइल्ड सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड, क्यों, क्योंकि चाइल्ड तब रेडी होगा पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब प्रभाव अभ्यास का नियम। यहाँ से वही बात निकल के आती है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, या हिंदी में करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, है ना, कि जैसे जैसे हम जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं उतना ज्यादा हम उसमें पक्के होते जाते हैं, हमारा वो सुदृढ़ होता जाता है एरिया। कह रहे हैं कि कनेक्शंस बिकम स्ट्रेंथेंड विद प्रैक्टिस एंड वीकेंड व्हेन प्रैक्टिस इज डिसकंटिन्यूड। सो सिंपल, हम लोग सभी इसको महसूस करते हैं कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तब तक तो हमको वो चीजें आती हैं, स्ट्रेंथेंड होती, मजबूत बन जाते हैं वो कनेक्शंस, वो एसोसिएशंस, बट जब हम प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, जब हम अभ्यास को खत्म कर देते हैं, नहीं पढ़, अगर कोई चैप्टर लिए नहीं उसको बार बार दोहरा रहे हैं, तो आप उसको भूल जाएंगे। बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, इसको हम प्रयोग और अप्रयोग का नियम ही कह सकते हैं। द लॉ ऑफ यूज स्टेट्स, क्या कहता है लॉ ऑफ यूज, व्हेन अ मॉडिफाइबल कनेक्शन इज मेड बिटवीन अ सिचुएशन एंड अ रिस्पॉन्स देयर कनेक्शंस स्ट्रेंथ इज बीइंग इंक्रीज्ड। यानी ऐसा कनेक्शन बने सिचुएशन और रिस्पॉन्स के बीच में कि कनेक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कब, जब वो यूज में आ रहा है, और डिसयूज में आएगा तो कनेक्शन की स्ट्रेंथ घटेगी, है ना, कनेक्शन स्ट्रेंथ इज डिक्रीज्ड। ओके, तो ये तीन प्राइमरी लॉज आपको एकदम टिप पे होने चाहिए, हमेशा आपकी जुबान में होने चाहिए, आपको इसको नहीं भूलना है कि लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ रेडीनेस के तीन प्राइमरी लॉज थॉर्नडाइक ने दिए हैं। फिर सेकेंडरी लॉस, सेकेंडरी लॉस के आप नाम जान रहे वही ठीक है आपके लिए, उतना भी बहुत है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड, प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी और लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, एक एक लाएंगे हैं।
एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, क्या शैक्षिक निहितार्थ निकलेगा थॉर्नडाइक का, क्या इन्होंने ऐसा साइकोलॉजी में हमको दे दिया जो हमने अनुकरणीय है, जिसको हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी का हिस्सा बना लिया, क्या आगे आने वाली थेरीज को ये सपोर्ट कैसे किया इन्होंने, कौन सा बेस प्रोवाइड किया। तो मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ इफेक्ट ही बाद में बिहेवियर बीएफ स्किनर अपनाते हैं और उससे अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत देते हैं। तो और क्या क्या बातें इन्होंने बताई, द टास्क कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम द इजियर एस्पेक्ट टुवर्ड्स द डिफिकल्ट एस्पेक्ट, यानी कि थॉर्नडाइक की ही थ्योरी से ये बात निकल के आई है कि हमको इजी टू कॉम्प्लेक्स करना है। जो बच्चे बीएड पढ़ते हैं बीएड एमएड करते हैं उनको पता होता है ना, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में कहते हैं ना फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि पहले हमको इजियर कॉन्सेप्ट पढ़ाना है और फिर हमको डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। ट्रायल एंड एरर मेथड कैन बी यूज्ड इन टीचिंग, अगर ये हम कई तरीके अपना के देख सकते हैं, ये एक तरीका अपनाया वो नहीं वर्क किया तो दूसरा कर सकते हैं, नहीं तो तीसरा कर सकते हैं, यानी कई मेथड कई स्ट्रैटेजीज टीचर को अपने पास रखनी चाहिए। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट इफेक्ट द लर्निंग ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि लॉ ऑफ इफेक्ट की बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेंथन कब होगा जब हमको रिवॉर्ड मिलेगा, वीकेंड कब होगा जब हमको पनिशमेंट अनॉयंस या पेन मिलेगा, तो ये हम इसको हम टीचिंग में यूज करते ही हैं। और हैबिट्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेशन, ये हमको ये बताते हैं कि आदतों का निर्माण कब होता है, जब हम बार बार पुनरावृत्ति का नियम भी आप इसको कह सकते हैं ना, कि जब हम बार बार उसको दोहराते हैं तो आदतों में तब्दील हो जाता है। और प्रैक्टिस इज द मेन फीचर ऑफ द ट्रायल एंड एरर मेथड, कहीं कहीं थॉर्नडाइक के लॉ लर्निंग का जो थ्योरी है उसको ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी कहते हैं, लर्निंग थ्योरी है ना, तो आपको ट्रायल एंड एरर से समझ जाना है, सीधे थॉर्नडाइक से कोरिलेट करना है उसको। और ये कहते हैं कि प्रैक्टिस जो है वो मेन फीचर है, मुख्य बिंदु है ट्रायल एंड एरर मेथड का। अब कंक्लूजन, कैसे कंक्लूड करें हम इनका, कंक्लूडिंग रिमार्क क्या दें थॉर्नडाइक साहब को, तो थॉर्नडाइक कंक्लूडेड दैट ऑल एनिमल्स लर्न सोलली बाय ट्रायल एंड एरर और रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, क्योंकि इनकी थ्योरी है ये, तो इसको ये प्रतिपादित इन्होंने किया, तो इसलिए इन्होंने ऐसी बात कही कि एनिमल का जितना व्यवहार, अच्छा बाद में जाएंगे कि बिहेवियर्स जो है वो एनिमल पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसको ह्यूमन बींग्स पे जनरलाइज कर दिया, इसके लिए इनकी क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना होती है कि कैसे आप ह्यूमन बींग्स का मच कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को आप इतना सिंपलिस्टिक कैसे कर सकते हैं, बट स्टिल बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो बिहेवियरिज्म से प्रतिपादित होते हैं, प्रूव किए जा सकते हैं। थॉर्नडाइक कंक्लूडेड दैट ऑल एनिमल्स लर्न सोली बाय ट्रायल एंड एरर और रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, वो कह रहा है कि प्रत्येक सभी जीव ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखते हैं या रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से सीखते हैं सारा बिहेवियर। He used the cat's behavior in the puzzle box to describe what happens when all the beings learn together. All learning involves the formation of connections and connections were strengthened according to the law of effect, ना कि सब कुछ सारा क्या हो रहा है, सीख कैसे रहे, निर्माण किसका हो रहा है, कनेक्शन का, और कनेक्शन कब स्ट्रेंथन हो रहा है, जब हमको बढ़िया इफेक्ट मिल रहा है, कनेक्शन कब वीकेंड हो रहा है, जब हमको इफेक्ट खराब। और इंटेलिजेंस, अच्छा आपको यहाँ पे मैं याद दिला दूँ कि थॉर्नडाइक ने इंटेलिजेंस, थॉर्नडाइक के बहुत काम है, बहुत 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 सारे अवार्ड प्राइजेस मिले हैं उनको, वो मैंने यहाँ इस पर इंक्लूड नहीं किया, लेकिन बहुत इनका काम है साइकोलॉजी में। इन्होंने इंटेलिजेंस भी डिफाइन किया था, सोशल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जहाँ से हमको बाद में सोशल इंटेलिजेंस मतलब कि इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट मिलता है, तो इतना पुराना इनका काम है। तो इन्होंने इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन किया, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू फॉर्म कनेक्शंस, यानी कि बुद्धि क्या है, एक योग्यता है कि हम कितने बंध बना सकते हैं, कितने कनेक्शंस बना सकते हैं। एंड ह्यूमंस आर द मोस्ट इवॉल्वड एनिमल्स बिकॉज़ दे फॉर्म मोर कनेक्शंस देन एनी अदर बीइंग्स, कैसे ये ह्यूमन और एनिमल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं एनिमल भी कनेक्शन बना के सीखता है, ह्यूमन भी सीखता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ह्यूमन ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्यों ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो कनेक्शंस ज्यादा बना पा रहा है इन कंपैरिजन टू अदर एनिमल्स। ओके, पहली थ्योरी फिनिश, इतना आप जान जाएंगे थॉर्नडाइक के बारे में, बहुत है, इतना ही आप याद रखिए कि थॉर्नडाइक जो है वो बिहेवियरिस्ट, थ्योरी का नाम कनेक्शनिज्म, बात किसकी की गई है, एसआर की बात की गई है, स्ट्रेंथन होगा कब, जब बढ़िया इफेक्ट मिलेगा, वीकेंड होगा कब, जब हमको एनॉयंस मिलेगा, पेन मिलेगा, डिस्टर्बेंस मिलेगा, और तीन प्राइमरी लॉज है और पांच आई थिंक सेकेंडरी लॉज है। ओके, so I have completed Thorndike's law of learning. So thank you all, and don't forget to like and subscribe my channel too.